नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेद रत्न में। दोस्तों आज हम सबके लिए लेके आए हैं पीलिया के लक्षणों के बारे में जानकारी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। गर्मी और बारिश के मौसम में लोगों को होने वाले रोगों में से एक रोग पीलिया भी है। पीलिया की वजह से शरीर में खून की कमी होती है और शरीर का रंग पीला पड़ने लगता है। रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, जब ये कोशिकाएं टूटती हैं, तो हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलीरुबिन नामक पीले रंग का पदार्थ निकलता है। ये लीवर से फिल्टर होकर निकलता है, लेकिन लीवर में कुछ दिक्कतों के चलते ये प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती और बिलीरुबिन बढ़ने लगता है और त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है। इस स्थिति को पीलिया कहते हैं। पीलिया लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारी है, जिसका सही इलाज न होने पर घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पीलिया के लक्षण, बचाव और उपचार के तरीकों के बारे में, जिसे जानकर आप पीलिया जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं। पीलिया के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: आंखों के सफेद भाग का पीला हो जाना, लगातार थकान महसूस करना, ठंड लगना और बुखार आना, लीवर की अन्य बीमारियों के लक्षण की तरह भूख न लगना, पेट दर्द, मदली आना, गाढ़ा पीला पेशाब आना, सफेद या काला पखाना होना, वजन घटना। पीलिया से बचाव के ये हैं उपाय: संतुलित आहार, साफ पानी पीना, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करना और नियमित व्यायाम करना। पीलिया के कारण शरीर में ये दिक्कतें होती हैं: थकान रहना, ठंड लगना, बुखार आना, उल्टियां होना और वजन घटना। पीलिया होने पर हकीम या गले में काला धागा पहनने से कितना प्रभाव होता है, क्या इन बात पर विश्वास किया जा सकता है? देखिए, काले धागे की बात यदि करें तो किसी भी तरह के अंधविश्वास को मानना न केवल नादानी है, बल्कि ये मरीज की जान को और भी जोखिम में डालने के बराबर है। केवल डॉक्टर के पास ही किसी भी बीमारी का समाधान है। इसके अलावा हकीम की दवाई में भारी धातु पाए जाते हैं, जो लीवर और किडनी के लिए नुकसानदेह है। किसी किसी स्थिति में तो लीवर भी फेल हो सकता है। पीलिया के उपचार के ये हैं तरीके। पीलिया का इलाज मूल रूप से पीलिया के प्रकारों पर निर्भर करता है। पीलिया में केवल उबला खाना ही खाना चाहिए, ये धारणा एकदम गलत है। गन्ने के रस से भी कोई खास फायदा नहीं होता। सही घरेलू उपचार भी बहुत मददगार साबित होते हैं। आसानी से पचने योग्य हरी सब्जियां खानी चाहिए। करेला, मूली, टमाटर आदि के रस और नारियल पानी, छाछ का सेवन करना चाहिए, हल्दी का सेवन करना चाहिए, घर का बना पौष्टिक खाना खाना चाहिए, तले हुए मसालेदार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड्स का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे पीलिया के लक्षण और उससे बचाव के कुछ उपाय। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलेंगे इसी प्रकार की कुछ जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।